नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंहवाल। तस्वीरें देख रही हैं करनाल के सदर थाना से। यहाँ पर आप एक युवक को देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इनकी नवंबर 2021 में शादी होती है, शादी लव मैरिज होती है, लड़की के घर वाले शायद राजी नहीं होते हैं। और अभी अगर लड़की की बात की जाए तो इन्होंने वैसे तो प्रोटेक्शन भी ले रखा था, लेकिन उसके बावजूद लड़की अब अपने वापस मायके जा चुकी है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि उसके पेट में इनका बच्चा था, 3 महीने का बताया जा रहा है, और उन्होंने इन्हें बिना बताए अबॉर्शन करा दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है इनसे बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से यही अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सर क्या कुछ मामला है, शादी कब हुई थी आपकी? मैम मेरी शादी नवंबर के महीने में हुई थी जी, 11 तारीख ने जी। 16 ने मैंने प्रोटेक्शन ली थी, 20-25 दिन में से पाउस में रहा। वहाँ से आए फिर अच्छी खासी सही बढ़िया लाइफ चल रही थी हमारे दोनों की। ये कई बार इसके घर के बीच में पहला भी लेने आए, गाँव के कई बंदे भी लेने आए, उस टाइम भी वो गई नहीं उनके कहने था। तो अब 12 तारीख ने वो मैं अल्ट्रासाउंड ले आज इसका करवाएगा। उसने शाम ने आकर वो फ़ोन कराया कि भाई मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाऊंगी थर तैं और आज ही हो उस जो कि उन्होंने मेरे तक बताई भी आएगा। अभी मैं अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगी घर का ना बुलाऊँ मैं, कोई बात नहीं। आका मैंने ऊपर के बरा उस तक के दबाव दिया के नहीं, मैं नीचे आने का उस पर धक्का पेल सी करने लग गए। तो मैंने 112 पर फ़ोन कर दिया, 112 की टीम मैंने महिला सेल में यहाँ थाने में छोड़ गई। महिला थाने में छोड़े पीछा उसके मतलब कि बयान लिखे दूसरे ने, चलो बयान लिख लिए, उसमें लिखा भाई मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती भाई, लड़ाई झगड़ हो गया था, चलो रहना ना रहना वो उसके हाथ में था। 3 महीने का बच्चा था उसका, जिसका वो बयान लिख कर जा रही है कि भाई मैं इस बच्चे को जन्म देऊंगी, बच्चे को जन्म देने के बाद या तो ये बच्चा है इसके पास रहेगा या फिर मेरे पास रहेगा। अच्छा, बयान की कॉपी भी? हाँ जी, बयान की। देखिए इनके पास बयान की कॉपी भी है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 3 महीने का बच्चा उनके पेट में है और बच्चा होने के बाद बच्चा किसके साथ रहेगा, आपस में इनकी जो बातचीत होगी उस पर आधारित रहेगा। और फिर उसके बाद मैं अमीन घर ले जाकर और उसको वोशन करवा दिया और 14 तारीख की एप्लीकेशन दे रहेगी मना जी इसी चीज़ की, भाई मेरे को खतरा है मेरी वाइफ को वोशन करवा देंगे। आपको कैसे पता चला? मैम मेरे को ऐसे पता चला, यहाँ सदर थाने में एक पुलिस वाला गया था उनके घरों जो मतलब कि बताने के लिए भाई थारी दरखास्त आ रही, उनके नंबर उस दिन थे स्विच ऑफ असार होके जिस दिन तमें उसने ले गए थे। तो वो लिटरी होगी तो उन्होंने पूछा भाई तू कैसे लिटरी है, तो बोली इनका मैं पैडियो पर गिर गई और मेरा बच्चा था वो खराब हो गया। अगर पैडियो पर तो वो गिरी है तो मेरे तक भी तो बताना था भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी भाई आने का देख ले जो उनसे भी हॉस्पिटल में लेकर गए हूँ उसने। मैम मेरे को तो इंसाफ चाहिए, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, जो इन्हें अबॉर्शन करवाया और जिस अस्पताल ने कराया उस अस्पताल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए बस। ससुराल शुरू से नाराज था? हाँ जी शुरू से ही नाराज था जी। तो आपका जो घर के वाले हैं वो मान गए थे? हाँ जी मेरे घर वाले मान गए थे जी। आप पसंद से आप में रहते हैं? हाँ जी। आप दोनों एक ही गाँव के थे? हाँ जी एक ही गाँव के थे हम दोनों। तो आप देख सकते हैं दोनों एक ही गांव के थे, दोनों ने लव मैरिज करी, लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें आती हैं या फिर इन दोनों के आपस में झगड़ा हो जाता है जिस वजह से वो वापस अपने घर चली जाती है। साथ में इनका ये भी कहना है कि उसके लड़की के परिवार वाले कई बार उन्हें लेने भी आए हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती भी की गई है। और अगर बात की जाए उनके पेट में 3 महीने का बच्चा था, इनका ये कहना है, इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका अबॉर्शन कराया गया है और जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर इन्होंने ये भी बताया है कि सूचना ये मिली थी कि जो लड़की है वो सीढ़ियों से गिर गई थी जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं रहा। उनकी अगर मैं बात करूं, इनकी माँ भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपको भी लगता है आपकी बहू का अबॉर्शन? हाँ मैम हमारी बहू का अबॉर्शन उन्होंने करवाया है ले जाके, और वे शुरू से नाराज थे, इवन की शादी हो गई थी मेरे पास रहने लगे थे, ये अच्छी तरह रह रहे थे मैडम जी। जिस दिन वो लेकर गए मैं घर पर नहीं थी मैडम जी, मैं लड़की का जा रही थी जिस दिन में आए थे यहाँ। मेरे को भी बोला मम्मी मैंने मगर फ़ोन करा, मैं किस लिए करा बेटा तने फ़ोन? अब मैंने इसलिए फ़ोन कराया कि मम्मी यार दादी दबाव देती है मेरे को फ़ोन करके, अब भी घर आ जा तेरी दोबारा शादी करेंगे, तेरे को सामान देंगे, ये देंगे वो देंगे, नुका इसीलिए नुका मैंने सिर्फ वो दिखाने के लिए फ़ोन कराया मम्मी। मैं चल कोई बात नहीं, मैं सवेरे फिर मैं लड़की का चली गई, मेरे जाने के बाद उन्होंने आकर इनके साथ मतलब हरकत करी दोनों ने, उसकी दादी ने भी मम्मी ने भी, इन्होंने फिर 112 की टीम बुला ली। तो 112 की टीम गई, उन्होंने पूछा मान ले वीडियो भी बनाई उन्होंने, भाई ऐसे ऐसे क्या बात भाई तेना कोई दिक्कत है कि नहीं है? नु बोली ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं मम्मी पापा के साथ जाना चाहूँगी। बस ये बात हुई मैडम जी, यहाँ ले आए यहाँ बयान दे कहीं बयान दिए मैडम जी उसने, फिर चल आना ना आना वो उसकी मर्जी है, लेकिन बच्चे का क्या कसूर था? हाँ बच्चे का क्या कसूर था जिसने बेचारे ने अभी तक आँखें नहीं खोल ली, बच्चे की मान लिया अंदर अंदर हत्या कर दी। वैसे तो
गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये करो वो करो, भाई भूषण हत्या है, फलाना है, ढिकड़ा है। मान ले फिर मेरे बच्चे का मान ले ये वो क्यों करा, वह आओ या ना आओ, जो इस बयान में सहमति थी वह उसने वो क्यों नहीं करा। अगर कोई दिक्कत थी या कुछ थी तो हमारे को भी बोल सकते। नोक झोंक तो नहीं होती थी? नहीं मैडम जी, ये मेरे पड़ोसी हैं, अगर नोक झोंक हुई होती इन तक पूछ कर देख लो, मैंने तो कभी भी बस बिल्कुल भी सुन नहीं उठाई मैडम जी मैं, और वो बिल्कुल हम तो बिल्कुल एन ठीक ठाक रहे करते, कोई भी दिक्कत नहीं थी, किसी बात की भी कोई दिक्कत नहीं थी मैडम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है घर में कोई दिक्कत नहीं थी, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि आखिर उस मासूम की क्या गलती थी जिसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। और यहाँ पर इनके पास सारी रिपोर्ट मौजूद है, इनके पास वो फ़ोटो मौजूद है जब इन्होंने शादी की थी, इनके पास सारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और इनका ये कहना है कि वो बयान तक इनके पास है जो बयान में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर बच्चा होता है उसके बाद बच्चा किसके साथ रहेगा, वो आपस में सहमति से उसको दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं फोटोज़ में कि किस तरीके से इन दोनों की शादी हुई है। शुरू से अगर अभी तक की बात की जाए तो लड़की वालों के जो परिवार वाले हैं वो पहले से ही नाराज़ नज़र आ रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने अबॉर्शन कराया हो, या फिर हो सकता है कि सच में कोई बड़ा हादसा उनके साथ हुआ हो जिस वजह से वो बच्चा नहीं रहा है। लेकिन वो तो जब कार्रवाई पुलिस करेगी तभी पता चलेगा, लेकिन इनकी तरफ से ये कहना है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी था तो इनका भी पूरा हक बनता था इस बारे में जानने का, आखिर ये भी उस होने वाले बच्चे के पिता लगते थे। तो सर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आज यहाँ पर आई रिपोर्ट लिखवाई आप? मैम मेरी तो बस यही अपील है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, भाई ये बच्चे का वोशन कैसे होया, मेडिकल जांच होनी चाहिए। और तो और ये भी बात कहते हैं कि भाई लड़की की मर्जी चलेगी, भाई वो मेडिकल करवाएगी या ना करवाएगी, ऐसा क्या मेडिकल भी उसी की मर्जी होगी क्या? उसी का अधिकार था उस बच्चे पर, बच्चे पर तो मेरा भी अधिकार था, मेडिकल तो होना चाहिए उसका, और जिस भी हॉस्पिटल ना करे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी अपनी वाइफ से आखिरी बार बात कब हुई थी? मैम बस मेरे को तो यही 13 तारीख नहीं जिस दिन गए थे, उसके बाद अब लग कोई बातचीत नहीं, कोई अहमी सहमी नहीं, और मेरे पास गाँव के बंदे दबाव बना रहे भाई तू तलाक दे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करी हो उनके परिवार ने? मैम जोर जबरदस्ती करके ही वोशन करवा रहेगा उसका, अपनी मर्जी तो वोशन नहीं करवा रहेगा। आपको इस बात का पता है कि खुद ऐसा नहीं कर, खुद ऐसा नहीं कर सकती मैम, वो एक पानी की बाल्टी तो कर थावे नहीं थी, और वहाँ जाकर क्या हो ऐसा काम कर लंदी, मैं नहीं मानता सर, उसका जोर जबरदस्ती था वोशन करवा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे एक और बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि इनका ये कहना है इनकी वाइफ का जो जबरदस्ती से अबॉर्शन कराया गया है, क्योंकि इनको नहीं लगता इनकी खुद की वाइफ कभी ऐसा कर सकती है। यहाँ पर इनके घर के जो पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिर इनके घर का जो माहौल था वो कैसा था, क्या कभी खुद में अनबन रहती थी? नहीं मैम जी, अनबन नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं थी, बढ़िया थी। वो उनको जबरदस्ती से लेके गए वो ऐसे धमकियां दे दे। हाँ जी, और बस देखिए यही निकल कर आ रहा है कि लड़की के परिवार वालों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करी है, ज़बरदस्ती करके उसको लेकर गए हैं, और उसके बाद जो अगर बात की जाए फिर उसको लेकर चले गए, और जब ये पता चला होगा कि वो प्रेग्नेंट है या फिर उनके पेट में बच्चा है तो उनका अबॉर्शन करा दिया गया। सबसे पहली बात तो ये कि अबॉर्शन कराना गैरकानूनी है, आखिर किसने उनका अबॉर्शन किया और कौन से हॉस्पिटल में किया, वहाँ पर भी एक सवाल उठता है। लेकिन अगर सच में कोई हादसा हुआ है तो इनका भी हक बनता था जानना, क्योंकि ये भी उस होने वाले बच्चे के पिता लगते थे। अभी पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट दे दी है, रिपोर्ट दर्ज करा दी, अब देखना ये होगा कि कब तक जांच होगी और क्या सच में सख्त से सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।